हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ जेएसआर का लड़का। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जमशेदपुर के पांच बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल्स, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए चलते हैं। पर जैसे आप लोग देख रहे हैं, शाम के लगभग 6 बज रहा है और हम लोग ब्लॉगिंग के लिए निकल रहे हैं। गाइस, हम लोग फाइनली कांसीडीर पार करते हुए भालूबासा की ओर जा रहे हैं। फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा पंडाल पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि हम लोग सिद्धगोड़ा दुर्गा पूजा पंडाल के पास पहुंच चुके हैं और यहां पर कैसे श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, कितने दूर से आके देख सकते हैं आप लोग। पहले हम लोग को अंदर जाने मिलता था, अंदर से आराम से हम लोग सामने से दर्शन कर पाते थे, बट अभी क्या है, बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग थोड़ा दिक्कत में है, तो अभी हम लोग को अंदर जाने नहीं मिल रहा है। तो ये सब को नज़र में रखते हुए पहले यहाँ पर चारों तरफ दुकान लगता था, स्टॉल्स लगता था खाने पीने का, बट इस साल क्या है, बिकॉज ऑफ कोरोना तो यहाँ की जो कमेटी है वो अलाउ नहीं की है किसी को भी इस अंदर में, ग्राउंड है के अंदर किसी को भी स्टॉल। एक तरह से सोचा जाए तो पूजा अधूरा टाइप में लग रहा है आपको। जी बिल्कुल, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य जैसे बंगाल है, जी जी, वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे छूट वगैरह दिए हैं। मेले भी बनेंगे, मेले भी लगेगा, प्लस पंडाल भी अच्छे थीम पर बनाए जा सकते हैं। यहाँ की सरकार को भी कहीं ना कहीं छूट और भी देना चाहिए। तो गाइस, अभी हम लोग कुछ स्टॉल को विजिट करेंगे और उनका रिव्यू जानेंगे कि उनका सेलिंग वगैरह कैसा है। तो अंकल, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले का जो दुर्गा पूजा था और अभी का जो दुर्गा पूजा इस साल हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रहा है या फिर आपका कुछ सेलिंग में चेंजेस? सेलिंग बहुत है, पहले की अपेक्षा 50% सेल हो गया, 50% से भी कम है। अच्छा, कस्टमर उतना नहीं आ पा रहे हैं। और आप मतलब आपका क्या चीज़ है अंकल? सोडा का दुकान। आप लोग देख सकते हैं गाइस, हम लोग कांसीडी दुर्गा पूजा पंडाल पहुंच चुके हैं। इस बार उतना डेकोरेशन के साथ ये कांसीडी दुर्गा पूजा पंडाल नहीं बन पाया है, बट कांसीडी दुर्गा पूजा पंडाल को भी एक मतलब कि बोला जाए तो टॉप में माना जाता था जमशेदपुर का, बट इस बार उतना अच्छा नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ कोरोना। जैसे कि आप लोग सभी देख सकते हैं, अभी हम लोग कांसीडी दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंच चुके हैं और यहां पर जितने भी श्रद्धालु जो है वो बहुत दूर से दर्शन कर रहे हैं। पहले हम लोगों को अंदर तक जाने मिलता था, बट यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु दिख रहे हैं वो दूर से दर्शन कर रहे हैं। तो कोरोना के वजह से बहुत कुछ बदल चुका है। कोरोना के गाइडलाइंस ने बताया है कि मूर्ति का जो साइज़ है 5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए कोई श्रद्धालु से अभी हम लोग बात करते हैं कि अंकल जी, आपको मतलब पहले जो दुर्गा पूजा होता था और अभी के टाइम में जो दुर्गा पूजा हो रहा है, तो इसमें आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है? मतलब कि पहले दुर्गा पूजा का पंडाल कुछ मस्त बनता था या फिर मूर्ति बहुत बड़ा आता था, ऐसा कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रहा है? जी देखिए, बहुत सारे चेंजेस हैं जी। अभी जैसे सरकार के गाइडलाइन में पंडाल छोटा हो गया है, भीड़ ज़्यादा नहीं करना है, तो कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है जी। पहले जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ आती थी पूजा पंडालों में घूमने के लिए, मेला वगैरह बच्चों के लिए लगता था, अभी उतना नहीं पा रहा है। सही बात लगता है, तो थोड़ा सा तो लगता है कि अभी उतना मेला भी लग रहा है कि उतना बड़ा मेला नहीं लग पाया बिकॉज ऑफ सरकार की गाइडलाइंस की वजह से। बहुत जो गरीब लोग हैं जिनसे इंडस्ट्री से दाल रोटी चल रहा जी जी, उन लोग को भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। हाँ वो भी है, लेकिन सब चीज़ देखना पड़ेगा हम लोग को। हाँ हाँ, कोरोना है तो बस वही सरकार गाइडलाइंस के वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है ना आप लोग को। चलिए ठीक है अंकल, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आदित्यपुर पुल, जो कि यहाँ से अभी हम लोग मलखान सिंह का जो पंडाल है वो देखने जा रहे हैं। देख सकते हैं हम लोग आदित्यपुर पूजा पंडाल पास पहुंच चुके हैं और यहां पर जो भी श्रद्धालु है बहुत दूर से दर्शन करने मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर आइए, बहुत ही अच्छा सुंदर पंडाल बना है, जमशेदपुर का सबसे अच्छा पंडाल शायद अभी ये आदित्यपुर का ही पंडाल बना है। जैसे कि आप सभी कोई देख सकते हैं, सभी पूजा पंडालों पे पुलिस मौजूद है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग आदित्यपुर पूजा पंडाल में मौजूद है और अपने कुछ श्रद्धालु से बात करते हैं। तो हेलो, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है। आप लोग कहाँ से और आपका नाम क्या हुआ, बता दीजिए थोड़ा। हम लोग यहीं बागबड़ा से आए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? नीतीश। अच्छा, तो अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। आपको ये आदित्यपुर का ये पूजा पंडाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा बना। पहले के कंपैरिजन में क्या मतलब कि कुछ चेंजेस लग रहा है कि मतलब कि पहले बहुत अच्छा बनता था, अभी थोड़ा सा मतलब
ऐसा कुछ चेंजेस तो है, पहले हम मूर्ति के सामने जाके दर्शन कर पाते थे। सही बात है। और यहाँ पर मेला वगैरह लगा है कुछ अच्छे से लगा है पहले? अभी हम लोग आदित्यपुर पूजा पंडाल होकर जस्ट दर्शन करके निकल ही रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही भीड़ है। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सक रहे हैं, ये जो है ये दुर्गा पूजा पंडाल, ये कदमा गणेश पूजा मैदान का दुर्गा पूजा पंडाल है। मूर्ति बहुत सुंदर लग रहा है इस पंडाल का, आइए देखते हैं। गाइज आइए चलिए देखते हैं अभी कदमा के दुर्गा पूजा पंडाल में कुछ श्रद्धालु से बात करते हैं। अंकल आपका नाम क्या हुआ? कन्हैया सिंह। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? चाईबासा। चाईबासा से आप आ रहे हैं कदमा पंडाल देखने के लिए, बहुत ही अच्छा बात है। आपको कैसा लगा, आप दर्शन कर लिए पंडाल का? हाँ। कैसा लगा आपको ये पंडाल देख कर? अच्छा। हाँ देखते हैं कितना रोड जाम हो चुका है और बहुत भीड़ है। आप लोग अभी आप देख सकते हैं हम लोग सोनारी सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति के पास है। यहाँ पर पहले जब कोरोना नहीं होता था तो यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत पंडाल बनाया जाता था, बट ड्यू टू कोरोना अभी छोटा सा ही पंडाल बना हुआ है, बट मूर्ति इनका बहुत सुंदर है। आइए सामने से देखते हैं मूर्ति को, ज़्यादा सामने तो हम लोग दर्शन करने नहीं मिलेगा, बट जितना भी सामने हो पाएगा हम लोग दर्शन करने ज़रूर जाएंगे गाइस। इंटरेस्टिंग देखने चलते हैं, देखते हैं देखने मिलता है कि नहीं। आप लोग सुने होंगे कि किसी जगह 25 फीट का दुर्गा मूर्ति बना है, तो चलिए देखते हैं वहाँ पर दर्शन करने मिलता है या नहीं, ठीक है? क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइंस था वो 25 फीट उतना नहीं बनाना था, उतना हाइट का दुर्गा, बट क्या है 5 फीट का हम लोग को अलाउ किया था, चलिए देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस रास्ता में आ गए हैं जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, 25 फीट का जहाँ पर दुर्गा पूजा बना हुआ है मूर्ति, वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये जस्ट कागल नगर आप देखे वहाँ पर से लेफ्ट मुड़ जाना है कागल नगर मोड़ से और इधर आएंगे आप सोनारी गुरुद्वारा। सो गाइस यही है वो 25 फीट का मूर्ति जिसके बारे में बता रहा था। दुर्गा पूजा सोनारी नॉर्थ में पड़ता है ना भैया? ये सोनारी क्या एड्रेस पड़ेगा? गुरुद्वारा के सामने, सोनारी नियर सोनारी गुरुद्वारा के पास ये रॉकी मैदान में ये पंडाल बना हुआ है। ये सीक्रेट प्लेस के बाद आपको कोई और ब्लॉग में नहीं बताया गया होगा जो आपको ये ब्लॉग में बताया जा रहा है, तो आके बहुत जल्दी इस प्लेस में विजिट कीजिए, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाया गया है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सोनारी गुरुद्वारा के पास हम लोग अभी विजिट किए हैं और यहाँ पर जो दुर्गा पूजा है यहाँ पर 25 फीट का जो मूर्ति है। हेलो अंकल, आप कहाँ से आ रहे, कुछ बताइए अपने बारे में। टेल्को से आ रहे हैं। देखिए अंकल टेल्को से विजिट कर रहे हैं सोनारी, जो कि दुर्गा पूजा पेपर में देख के आ रहे हैं कि यहाँ पर सोनारी का जो नियर गुरुद्वारा के पास जो है मूर्ति है वो 25 फीट का बना हुआ है, यही पढ़ के आप आए होंगे ना दुर्गा। सो गाइज अभी हम लोग अपने दोस्त से बात करेंगे। सो गाइज तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्रियांश चौधरी इसका नाम है। तुम कहाँ से अभी आए हो? सोचिए ये लड़का गोविंदपुर से अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए सोनारी गुरुद्वारा के पास आया है। और खाया कुछ? कुछ नहीं खाया, मम्मी ने कुछ नहीं खिलाया। चलिए इसकी मम्मी पार्टी देगी इसको, जाके कुछ स्टॉल में खिला देगी, है ना? क्या खाओगे, आइसक्रीम खाओगे? चलिए यहाँ पर आप दर्शन कर लिए दुर्गा माँ का? चलिए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? चलिए ठीक है। दादाजी है, नमस्ते दादाजी। और सब कैसे है घर में? और अपने आप फैमिली के साथ विजिट करने आया है सोनारी? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। दर्शन कर लिए दादाजी आप? हाँ। कैसा लगा दर्शन करके आपको? बहुत अच्छा लगा, फोटो भी खींचे। हाँ हाँ, ये सीक्रेट प्लेस के बारे कोई ज़्यादा कोई जानता नहीं है कि सोनारी में 25 फीट का भी दुर्गा मूर्ति बना हुआ है। हाँ। तो उसकी कारण हम ब्लॉग बना रहे हैं कि आदमी लोग जाने कि और आए यहाँ पर दर्शन करने की, यहाँ पर 25 फीट का ही मूर्ति हम लोग को देखने में। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको पूजा पंडाल सब कैसा लगा है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरा चैनल जो है JSR का लड़का उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।